हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शिल्पी हाउसवाइफ किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी किचन में बनाएंगे तवा नान। तवा नान बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। मैंने लिया है आधा किलो मैदा, एक कटोरी दही, 1.5 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक। तो इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे चीनी, नमक, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैंने बहुत थोड़ा सा लिया, आधा चम्मच से भी कम। और दही, एक कटोरी दही मिक्स कर देंगे। और 4-5 चम्मच घी या कोई भी ऑयल, रिफाइंड ऑयल या देसी घी हम ऐड कर सकते हैं। इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें जो है इस आटा को गूंथने के लिए हल्का गुनगुना पानी लेना है, जो मैंने पहले से ही 1 कप में गर्म करके रख लिया है। पहले हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसको पानी डाल के, तो इस तरह से पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गूंथ लेना है। तो चलिए हम इसे गूंथ के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, मैंने आटा को गूंथ के कर लिया है तैयार। अब इसके ऊपर 1 चम्मच तेल डाल के इस तरह से चारों तरफ इसमें तेल लगा देंगे और इसे अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर देंगे। मैंने एकदम सॉफ्ट आटा गूंथ लिया है, तो इसी तरह से आटे को गूंथ लेना है। तो ये देखिए, मैंने तेल को भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके इसे गूंथ लिया है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से करके इसको किसी ढक्कन से या किसी कपड़े से कवर करके 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से खिल जाए। तो चलिए हम इसे ढक के एक तरफ रख देते हैं 2-3 घंटे के लिए। 2-3 घंटे बाद फिर हम बनाएंगे तवा नान। तो मैं इसे अब ढक के रख देती हूँ। 2-3 घंटे बाद हम जो है देखेंगे कि आटा हमारा जो है एकदम खिल गया है। अब हम हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा घी, घी लगा के फिर इसको अच्छी तरह से इस तरह से कर लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से आटा जो है हमारा खिल के एकदम तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे तवा नान। तवा नान बनाने के लिए हमें इसके जो है पहले तो ऐसे ऐसे कर लेंगे मिक्स। अब क्या करना है कि पहले हम लेंगे थोड़ा सूखा आटा, जो मैंने पहले से ही रखा हुआ था, मैदे का ही है, इसको ले लेंगे। फिर हम छोटे छोटे रोटी से थोड़े बड़े, रोटी से थोड़े बड़े, तो इस तरह से हमें ऐसे लोई बना के ले लेना है और फिर इस तरह से हमें लेके फिर इसको जो है इसे रोटी की तरह या थोड़ा लंबा करके, मार्केट में जो है रेस्टोरेंट में नॉन का शेप अलग होता है, इस तरह से कुछ होता है, आप चाहे तो इस तरह से बेल ले या तो गोल गोल। इसे हमें जो है रोटी से थोड़ा मोटा ही रखना है, तो इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद हमें जो है इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाना है, चम्मच की मदद से इस पे हम इस तरह से पानी लगा देंगे और तब तक हम गैस पे तवा रख देंगे, गरम होगा। तवा हमारा खूब अच्छी तरह से गरम हो जाना चाहिए। तो अब हम इस रोटी को ऐसे उठाएंगे, हमें इसे तवे पे इस तरह से डाल देना है। तवा हमारा खूब अच्छी तरह से गरम होना चाहिए। अब हम देखेंगे रोटी पे हमारे कैसे बबल्स आने लगे हैं। अब हमें क्या करना है,
तवा को उल्टा करके इस तरह से इसको इस पे चारों तरफ इस तरह से घुमा घुमा के इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे हम। इसको चारों तरफ से घुमा घुमा के इस तरह से सेकना है। और बीच में उठा के देख भी लेना है कहीं हमारी रोटी जल तो नहीं रही है। तो ये देखिए, तो इस तरह से रोटी सिकेगी। अभी हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो अब हम देखेंगे हमारी नॉन रोटी सिक गई है। तो हम इसे आपको उठा के पीछे साइड से भी दिखाते हैं। तो ये देखिए, नॉन रोटी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से सिक गई है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और इस पे लगाएंगे घी। घी आपके पास अगर घी है तो घी लगा दीजिए, या बटर हो तो बटर भी आप लगा सकते हैं। अब मैं इस पे लगा दूंगी अच्छी तरह से घी। इसी तरह से हमें सारी नॉन रोटियां बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए मैं एक आपको गोल शेप में भी बना के सेक के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने अब एक रोटी जो है गोल आकार में बेल लिया है। अब मैं इसको आपको गोल तवा नॉन बना के दिखाऊंगी। तो देखिए, रोटी में बबल आने लगे हैं। अब हम रोटी को जो है पीछे साइड से तवे को इस तरह से उल्टा करके सेक लेंगे। चारों तरफ से घुमा घुमा के सेकना है। तो ये देखिए, रोटी हमारी सिक गई है। इस साइड से भी और पीछे साइड से भी बहुत अच्छी तरह से सिक गया है। अब इसमें हम लगा लेंगे घी। तो इसी तरह से मैंने सारी नॉन रोटियां बना के तैयार कर ली है। अब इसे हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, मैंने नॉन तवा रोटी बना के सब तैयार कर लिया है और इसको सर्व कर लिया है। मैंने पनीर की सब्जी के साथ इसे सर्व किया है और नींबू सलाद के साथ। आप इसे किसी भी सब्जी, अपने मनपसंद सब्जी के साथ बना के खा सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको बनाने में ज़्यादा झंझट भी नहीं है। आप जब चाहे घर पे भी तवा नॉन बना के खा सकते हैं। ये देखिए किस तरह से, कितनी ही सॉफ्ट, कितनी ही मुलायम, एकदम मुलायम रोटी बन के तैयार है। आप इसको अब आप इसे अपनी पसंदीदा सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मेरे किचन का नाम है शिल्पी हाउसवाइफ किचन। आप अपने जो है एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा एक बार। थैंक यू।